हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है ये चिकन टिक्का बिरयानी। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 kg चिकन। यहाँ पर हमने चिकन लेग पीस ज़्यादा लिए हैं। तो ये देखिए, इसे हमें अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है पहले चिकन को। फिर इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे 3 चम्मच। जो हमारा स्टील वाला स्पून होता है वही, उसी से हमने ऐड किया है 3 चम्मच भर के ऐड किया है। लेमन जूस ऐड करेंगे हम हाफ, और अच्छी तरह से इसे अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। उसके बाद हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम दही ऐड करेंगे इसमें 300 ग्राम, और उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 3 चम्मच, और उसके बाद हम टिक्का मसाला ऐड करेंगे यहाँ पर 1 चम्मच भर के। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड करेंगे हम। 1 अंडा ऐड करेंगे इसमें, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का, और इसके अंदर हम इसमें कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। ये देखिए, इसमें हमने ज़्यादा मसाले ऐड करे, इसके लिए टिक्का मसाला हमने थोड़ा कम कर दिया। ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना था हमें। अगर आपको ज़्यादा मसाले वाला बनाना है तो आप 2 से 3 चम्मच टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें अब हमने कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा आप इसमें मिला सकते हैं, और ग्रीन चिल्ली भी ऐड की है हमने इसमें, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ऊपर से हम ऑयल ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के। हमने इसमें ऑयल ऐड किया है ठंडा, और इसे हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं फ्रिज में। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रखा था। और ये देखिए, हमने बासमती राइस ले लिए है। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम लिए है ये राइस 1 kg चिकन के लिए। तो ये देखिए, चिकन भी मैरिनेट हो गया है, और चावल को भी हमने साफ करके भिगो के रख दिया है धो के। तो 20 से 25 मिनट हम चावल को भीगने देंगे, जब तक कि हम चिकन फ्राई कर लेते हैं टिक्का। ये देखिए, ऑयल गरम कर लीजिए, उसके अंदर हम टिक्का फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह हम अलट पलट करते हुए चिकन को फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, चावल भी भीग चुके हैं, और हमने इससे 3 गुना पानी को उबाल लिया है एक बड़े से तपेले में। और ये देखिए, ये गरम मसाले हमने ले लिए हैं यहाँ पर, दालचीनी, और ये जावित्री, शाही ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, और ये लौंग ले लिए हमने। और अब उसमें से ही हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी में ऐड करेंगे, 2-2, 3-3। ये देखिए, खड़े गरम मसाले। तो ये देखिए, दालचीनी भी हमने इसमें ऐड कर दी है, और सॉल्ट भी ऐड कर देंगे हम। 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें, और ऑयल ऐड करेंगे, ये देखिए। इसके बाद ये पानी जब अच्छी तरह से उबाल आने लगे उसमें, तब हम ये चावल ऐड कर देंगे इसमें, ये देखिए। और इसमें 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर टिक्का फ्राई हो रहा है, और ऊपर से हमने फ्रेश पुदीना, कोथमीर ऐड कर दिया है, पुदीना और कोथमीर बारीक कटा हुआ। और ये देखिए, 90% ही हमें इसे कुक करना है। ये देखिए, इसे अब हम निकाल लेते हैं इस तरह से छन्ने में, एक जो बड़ी सी छन्नी होती है उसी में निकाल लेंगे हम। इसका सारा पानी हमें निकाल देना है, थोड़ा सा पानी बचा लेना है। तो एक तरफ हमारे टिक्का भी फ्राई हो गए, और एक तरफ बन रहा है बिरस्ता। तो अब हम दूसरी साइड में मसाला बना लेते हैं बिरयानी का। यहाँ पर हमने ये देखिए, खड़े गरम मसाले ले लिए हैं 4-5-6 ऐसे सब, लौंग, हरी इलायची और दालचीनी ले लिए हमने 2 से 3, इस तरह से आप मसाले देख कर ले लीजिए। और यहाँ पर हमने अदरक लहसुन ऐड कर दिया है 2 चम्मच भर के, क्योंकि हमने टिक्के में भी ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली की पेस्ट। ये देखिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसके बाद हमने 3 बड़े टमाटर धोकर बारीक काट लिए हैं, लाल लाल टमाटर लिए हैं हमने यहाँ पर, और उससे हमने इसमें मिक्स कर दिया है मसाले में। इसे पका लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर,
मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। और ये देखिए बिरस्ता हमारा बनकर रेडी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बिरस्ता बन गया है, ना जला है ना कुछ। ये देखिए रेड कलर में बना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में इससे। तो ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। अब हमने बिरस्ता बारीक मसल के ऐड कर देना है, चूरा कर लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन हाथों से ही इसे मिक्स कर दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। और ये देखिए हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। यहाँ पर हमने धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और गरम मसाला और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया और हल्दी पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पर हमने पुदीना और कोथमीर बारीक कटा हुआ धोकर ऐड किया है। ये देखिए अब हम इसे चलाते हुए मसाले के साथ पका लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए दही ले लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम दही ले लिया है और अच्छी तरह से फेंट लिया है। और ये जो टिक्के का मसाला बचा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है बिरयानी में। तो इसे आप फेंके नहीं, बिल्कुल भी इसमें ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बिरयानी में। और फिर दही ऐड करेंगे हम उसके बाद। तो ये दही हल्का सा खट्टा होना चाहिए, ज़्यादा फिक्का नहीं होना चाहिए, फिक्का दही नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम कर दीजिए या तो आप गैस बंद कर दीजिए और फिर दही ऐड करें, नहीं तो फट भी सकता है दही। उसके बाद जो हमने ये टिक्का फ्राई करके रखा है वो ऐड करना है हमें इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनकर रेडी हो रहा है हमारा। ये देखिए टिक्का, चिकन टिक्के का मसाला, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ये बिरयानी। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इन मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट पका लिया। ऊपर से हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया है। और एक अब हम इसमें लेयर लगाएंगे, वो तपेला ले लेंगे और उसमें हम ये मसाले वाला ऑयल ऐड कर देंगे। और इसे गरम करके इसमें ऑयल ऐड करा है हमने। फिर ये देखिए जो चावल हमने रखे थे वो ले लेंगे, बिरयानी वाले चावल। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये मसाला भी बन गया है और चावल भी रेडी है। ऊपर से हम हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे, बिरस्ता ऐड करेंगे। और दही हमने थोड़ा अलग रख दिया था, ये देखिए। और घी भी ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा। और दही में कलर ऐड करके हम इसमें ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर ऐड किया हमने। और ये देखिए चावलों का पानी जो हमने एक कप में निकाल लिया था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे हम मॉइस्चर के लिए। और ये देखिए अभी मसालेदार टिक्का जो हमने बनाया है मसाले वाला वो ऐड करेंगे हम। तो ये देखिए अब बिरस्ता ऐड करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे। बहुत ही खुशबूदार बनने वाली है ये बिरयानी। आप यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर ऊपर से हम बिरयानी वाले चावल ऐड करेंगे, ये देखिए। और ये दही ऐड करेंगे अच्छी तरह से। एक बार आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है, आपकी फैमिली वालों को। तो ये देखिए इसी तरह से हमें पुदीना, कोथमीर, बिरस्ता ऐड करना है। और ये देखिए इस तरह का होता है केवड़ा एसेंस, वो ऐड करेंगे हम कुछ बूंदे, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए फिर हम इसी तरह से ऐड करेंगे चिकन का ये मसाला, चिकन टिक्के का, और हल्का सा घी ऐड करेंगे। और उसी तरह से हम इसमें मसाले और चिकन ऐड कर देंगे और ऊपर से हम बिरस्ता भी ऐड करेंगे। और फिर और उसी तरह से हम लेयर लगा देंगे। तो इसी तरह से हम लेयर पे लेयर रखते रहेंगे। तो ये देखिए अब चावल ख़त्म हो चुके हैं, ऊपर से हमने दही भी ऐड कर दिया है कलर वाला, और बिरस्ता भी, पुदीना, कोथमीर और मसाले वाला चिकन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए आखिरी लेयर है ये। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चिकन टिक्का बिरयानी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे फ्रेश। और ये देखिए बिरस्ता भी ऐड करेंगे, ग्रीन फूड कलर भी हमने इस तरह से ऐड कर दिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा घी भी ऐड कर देंगे। तो अब हमें इसे दम पे रखना है। तो नीचे आपको इसके एक तवा रखना है, पतला सा जो भी हो आपके वहाँ, और इसे दम पे रख दीजिए। और ऊपर इसके आपको कुछ वज़न रखना है, तो 10 मिनट के लिए आपको इस तरह से दम पे रख देना है। तो दम दिए बाद हमने इसमें इस तरह से कोयले का धुआं दिया है इसमें, जिससे इसका स्मोकी फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इसको हमने स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया है और दम पे भी हमने इसे रख दिया था 10 मिनट
के लिए, और इसे उसके बाद हमने इसे ओपन किया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे इसमें फ्लेवर आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बनी थी बिरयानी, सबने बहुत तारीफ़ की। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।